ताजा मामला मध्य प्रदेश जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र का है, जहां वन विभाग के अंतर्गत बड़वारा वन विकास निगम के कुंडम प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने पेंगोलिन वन प्राणी की तस्करी करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हरिराम जंगल से पेंगोलिन जैसे कीमती वन प्राणियों का शिकार कर उनकी तस्करी किया करता था। मामले की सूचना मिलते ही वन विकास निगम अधिकारी ने वन चीफ क्राइम ब्यूरो के साथ मिलकर हरिराम के घर में दबिश दी गई, जहां से पेंगोलिन के साथ हरिराम को गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि इस पेंगोलिन जानवर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। इसकी संख्या अब भारत में ना के बराबर बची है, साथ ही इसका शिकार करने में उतना ही अपराध है जितना टाइगर का शिकार करने में होता है। चला था कि हरिराम कोल निवासी बंदी द्वारा वन्य प्राणी गुप्त रूप से रखा गया है। सूचना मिलते ही हम लोग निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर अधिकारियों के निर्देशों पर हम लोग खरीदार बनकर गए, और खरीदार बनकर हम लोगों की जो सामूहिक टीम थी, सामूहिक टीम से घेराबंदी कर पकड़ा गया। कार्रवाई में सर वन्य प्राणी नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर और टास्क फोर्स जबलपुर और हम लोगों की सुरक्षा, मैं परिषद बड़वारा समय और हमारे सुरक्षा समितियों के साथ में से कार्रवाई को सफल बनाया। सर ये जानवर को टाइगर के समकक्ष माना है और दुर्बल प्रजाति है, यह अनुसूची एक में से रखा गया है। आगे कार्रवाई में सर इसमें इन पकड़े गए अपराधियों में से इनके संपर्क कहाँ तक है, किस स्तर तक है, उसकी कार्रवाई सर चालू है। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट।